हमारे जीवन की हर चीज़ में ये तीनों गुण होते हैं। हमारे भोजन में सतोगुण है, रजोगुण तमोगुण है, हमारे पहनने में सतोगुण रजोगुण है, हमारे बोलने में, हमारी चाल में, हर चीज़ में। जिसके भीतर सतोगुण तत्व ज़्यादा होगा, सत्व तत्व ज़्यादा होगा, वही व्यक्ति आध्यात्मिक माना जाएगा। और जिसके भीतर तमोगुण की वृद्धि होगी, उसके भीतर क्रोध, गुस्सा, ये सब तमोगुण का प्रतीक है। इस तमोगुण को अपने जीवन से ख़त्म करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपना खान पान सात्विक रखें, हम अपना पहनावा सात्विक रखें, हम अपनी वाणी सात्विक रखें। अगर वाणी में सात्विकता होगी, हमारे भोजन में सात्विकता होगी, तो हमारे जीवन में भी सात्विकता होगी। आज तमोगुण इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों के जीवन में सात्विकता का विनाश हुआ, खान पान का विनाश हुआ, व्यवहार का विनाश हुआ। खान पान में अशुद्धता आ गई, अभद्रता आ गई, जो खाना नहीं चाहिए वो भी खाना शुरू कर दिया, जो वस्तुओं का आहार नहीं होना चाहिए हमने वो भी खाना शुरू कर दिया। पंजाब की धरती पे बैठे और खाने की बात कर रहे हैं, ये पंजाब वाले तो भैया भोजन की तो बात आप ना ही करें तो ठीक है, पर देखो हम ब्रजवासी भी कम नहीं हैं। ब्रजवासियों का भी नाम तो आपने सुना होगा, वो अलग बात है कि मेरी इतनी खुराक नहीं है, पर जो पक्के अच्छे ब्रजवासी हैं उनका तो मुकाबला करो तो कोई मुकाबला नहीं है। भोजन में बड़ी रुचि रखते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये मेरा निवेदन कह लो, आग्रह कह लो, कोई प्रेशर तो है नहीं, मैंने कभी किसी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि ये मानना ही पड़ेगा, पर आप आए हैं यहाँ तो एक आग्रह जरूर है, कोई भी आपके आहार में अशुद्धता हो उसको यहीं आज श्रीमद् भागवत कथा में यहीं पर स्वाहा करके जाइएगा, यहाँ छोड़ करके जाइएगा। क्योंकि भोजन, अच्छा ये बात जब हम कहते हैं ना, यह हमारे शास्त्र कहते हैं कि भोजन में गुण होते हैं, सात्विक, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो आज का जो बच्चा है ना, जो साइंस पढ़ने वाला बच्चा, वो कहेगा ये सब बेकार की बातें हैं। और यही बात जब साइंस कहती है ना कि भोजन में वाइब्स होती हैं, नाम दे दिया वाइब्स, वाइब्रेशन, गुड वाइब्स, बैड वाइब्स, हाँ सही कह रहे हो एकदम, वाइब्स होती है, तब मान लिया हमने अपनी चीज़, हमें उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, और जो बाहर की शब्द हमें दे दिए जाते उसको हम बड़ी हंसी खुशी मान लेते। भोजन में बहुत गुण होता है, इसलिए जब भी कोई आहार कर रहे हैं, आजकल मैंने कल कहा था, मेरा हृदय बड़ा दुखता है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है ये सब करने की, होती तो शायद एक क्षण में सब बदल डालने का मन होता है, कि ये जो लोग पशुओं को मार मार के खाते हैं, उनका आहार बनाते हैं, वो चीखता है, चिल्लाता है, उस व्यक्ति की क्या गति होगी सोचो आप, उस आदमी का क्या हश्र होगा जो एक जीव को काट रहा है, मार रहा है, वो जीव चीख रहा है, उससे रक्त बह रहा है, कोई भेदभाव हो तो बताओ, एक इंसान की उंगली काटोगे तो क्या निकलेगा, रक्त निकलेगा, एक पशु की उंगली काटोगे तो क्या निकलेगा, रक्त निकलेगा, एक व्यक्ति का हाथ काटोगे तो चीखेगा, एक पशु का हाथ काटोगे तो वो भी चीखेगा, वो भी चिल्लाएगा, आप रोगे, आपको कष्ट होगा, आप रोगे, पशु को कष्ट, वो भी रोता है, बस फर्क इतना है कि आप बोल बोल के अपना दुख बता सकते हो, वो बेचारा बोल नहीं सकता, उसके पास वाणी नहीं है, पर उस वाणी का मतलब ये नहीं है कि हम उसके अधिकारों का हनन करें। अगर मानवता की बात आती तो हम मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन पशुओं का अधिकार कौन बात करता है, वो मर रहे हैं, वो काटे जा रहे हैं, इतना कष्ट उनको दिया जा रहा है, और किसके लिए, ये एक क्षण के स्वाद के लिए, एक क्षण में बस स्वाद लेने के लिए इतने जीवित पशुओं को जिंदा मार दिया जाता, तड़पाया जाता, तो इससे बचिए। आप सब तो, मुझे पता है आप सब तो भगवत भक्त हो, आप तो कुछ खाते पीते होंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति से जुड़े हुए, पर
हो भी एक आध कोई के नहीं मन में भाव है तो यही आज छोड़ के जाए, इससे बड़ा पाप नहीं है कोई दुनिया में। ध्यान रख, सब पापों को भगवान थोड़ा बहुत चलो ढीला छोड़ देंगे, पर ये जो पाप है ना किसी दूसरे जीव को मारना, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। जिनको आज मार रहे हैं मरने के बाद वो वहां डंडा लेके ठाड़े होंगे, बेटा अब आ जा तू, तूने तब तो स्वाद स्वाद में हमारे। ये भागवत में लिखा है पुरंजन उपाख्यान में, जब पुरंजन मार रहा था तो नारद जी ने आके समझाया, प्राचीन वरी को समझाया कि जिसको तू मार रहा है ये मरने के बाद तैयार खड़े हैं तुझे मारने के लिए, और तब तू चीखेगा तू चिल्लाएगा कि कोई मुझे बचा ले, पर कोई तेरी सुनने वाला नहीं। प्राणियों में दया, दया भाव, यही तो एक भक्त की पहचान होती है। इसलिए सब खान पान कदापि नहीं, कम से कम जैसा मैंने कल कहा था, जो ये पंडाल में बैठे ये लोग तो सोच लें, आगे आने वाले भविष्य को समझाएं। आजकल के छोटे छोटे बच्चे, उनको ऐसा लगता है कॉलेजेस में जाकर के, यूनिवर्सिटी में जाकर के, कि हम मांस नहीं खाएंगे। अगर हमने किसी को ये बोल दिया ना कि हम वेजिटेरियन हैं तो अरे भैया ये तो बड़ा लो क्लास का, मतलब नॉन वेज आज एक हाई क्लास होने का एक सिंबल बन गया, ये नॉन वेजिटेरियन होना आपको ज़रूरी है। लेकिन ये हाई क्लास होने ही नहीं, हमारी छोटी मानसिकता को दर्शाने के लिए, इसलिए इससे बचिए, इससे जितना हो सके बचिए। पर क्या करें, पशु अपनी, मैं एक बात बहुत सुंदर मुझे लगती है कि पशु कभी भी अपना व्यवहार नहीं बदलता। एक शेर मांसाहारी पैदा हुआ है और मांसाहारी ही मरेगा, उसको मैं लाख प्रवचन दे दूं तो वो मेरे कहने से घास नहीं चालू कर देगा खाना, वो मांस खाता और खाएगा। गाय शाकाहारी पैदा हुई है और शाकाहारी ही मरेगी, भले कितना भी कह दो भूखी मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगी। भगवान ने, प्रकृति ने सबको अलग अलग डिवाइड किया, विधान बनाया, तू ये कर तू ये कर, तू ये खा सकता तू वो खा सकता। गाय मांस नहीं खाएगी, शेर घास नहीं खाएगा, पर धन्य है ये इंसान, घास फूस भी खा ले, मांस भी खा ले, और ज्यादा समझाने जाओ तो हमारी खोपड़ी और खा ले। तर्क और देने लगते हैं, और कितना बढ़िया तर्क देते जानते हो, हम नहीं खाएंगे तो दुनिया में पशुओं की संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा तुम ही तो ठेकेदार हो दुनिया के, तुमने ही तो ठेका ले रखा, धरती मैया ने तुमको ही ठेका दे रखा, प्रकृति ने इतना अच्छा सिस्टम अपना बना रखा है कि तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन कहां साइकिल चलनी है वो भगवान ने पूरा बनाया रखा है। कल को आप कहने लगो पॉपुलेशन तो मानवों की भी बढ़ रही है, भैया लोग बढ़ रहे हैं, साइंस तो कह रही बड़ा खतरा है आगे, इतना जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इसको कम करो, कम करने के लिए थोड़ी मार के खाना शुरू कर देंगे। इसलिए आहार शुद्ध, सात्विकता हुआ आहार में, कोई हिंसा ना। आप जिस घर के अपने फ्रिज में किसी पशु की डेड बॉडी जा करके रख, डेड बॉडी तो है वो रखते हो, उसके भीतर से क्या घर का माहौल बनेगा, हिंसा, नकारात्मकता, निराशा, हताशा। इसलिए आहार शुद्ध, और आहार शुद्ध, अब कई लोग इस पे भी क्वेश्चन करते हैं, भैया फल भी तो, ये भी तो, फल के काटने से कभी खून नहीं निकलता। हाँ जीव उसमें होता जरूर है, बहुत सूक्ष्म रूप में तत्व होता है, उससे भी पाप से बचने के लिए फिर व्यवधान हमारे जो शास्त्र हैं उन्होंने विधान बताया है कि उसको भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाओ, तो उसमें भी जो थोड़ी मोड़ी त्रुटि है, हिंसा है, वो खत्म हो जाए। पहले भगवान को भोग लगाओ, अर्पित करो, फिर खाओ, तुलसी पत्र डालो, फिर खाओ, उससे सब बदल जाएंगे। तो भोजन में अपने एक गुण होते हैं, भोजन की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। कई बार होता नहीं, माताएं बहनें, बच्चा स्कूल जा रहा है, एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके लिए दूध में चीनी डालेंगी, और चीनी डाल करके उसको घुमाती रहेंगी, और घुमाती घुमाती क्या सोचती रहेंगी, मन मन में क्या सोचेंगी, पढ़ा तो है नहीं कुछ भी, फेल होगा, नंबर नहीं आने वाले। अब वो मैया क्या सोच रही, वो चीनी घुमा रही, पर चीनी नहीं घुमा रही, वो सारे अपने विचार उस दूध में ट्रांसफर कर रही है, सारे विचार उसमें जा रहे हैं नकारात्मक वाले,
और वो जो उसको धारण करेगा, जो उसको पिएगा बच्चा, उसके भीतर भी वही विचार जाएंगे। इसलिए आहार की शुद्धि बहुत आवश्यक है। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों से सृष्टि का निर्माण होता है।